दिल्ली शेल्टर होम में कई बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। एक तरफ एलजी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। जहां बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी थी वो उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया। मेरे माने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आशा किरण में मौत का अंधेरा फैलाने वाले अपराधी कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में? 14 मासूमों की मौत का मुजरिम कौन? कौन जिम्मेदार? कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहां पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए जैसे मैंने कहा 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर 17 नर्सेस हैं। इसके अलावा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहां पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफी बड़ा स्टाफ वहां पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां हैं? मैं समझता हूं ये लोग आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। मेरे माने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनके BMI 18 से कम है। मौत क्यों हुई इसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के CMO अशोक कुमार ने कहा कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। ये शेल्टर होम 500 लोगों की कैपेसिटी का है जबकि अंदर 900 से ज्यादा लोगों को रखा गया। दिल्ली सरकार ने बहुत साल तक ये सब ढकोसला किया है कि हम महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो, नाइट शेल्टर होम हो, सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और हम उनका प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं। जिस घटना पर देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने शेल्टर होम में मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने शेल्टर होम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।
तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डिकेक दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। वही बॉक्सिंग को लेकर एक विवाद भी उठा है। क्या है विवाद, रिपोर्ट के जरिए जाने। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डिकेक की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं। दरअसल मंगलवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में उन्होंने ऐसा निशाना लगाया जिसके बाद तो हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। यूसुफ डिकेक इंटरनेट पर इसलिए वायरल हो गए हैं क्योंकि इस मुकाबले में वो अलग ही अंदाज में उतरे। ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में उनका कैजुअल अप्रोच लोगों को भा गया। वो एक साधारण टी शर्ट में पहुंचे और सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जेब में हाथ रखकर उन्होंने बिना किसी खास लेंस के हिस्सा लिया। शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों के बिना ही पिस्टल चलाई, जबकि दूसरे खिलाड़ी विशेष स्पेशल शूटिंग ग्लासेस लगाए हुए थे, जिससे निशानेबाजों को लक्ष्य पर सही से फोकस करने में मदद मिलती है। भारत के मनु भाकर और सरोबजोत सिंह ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। डिकेक की उम्र 51 साल है। उनका जन्म साल 1973 में हुआ था। वे 2008 से हर ओलंपिक में हिस्सा लेते रहे हैं। डिकेक 4 बार ओलंपिक खेल चुके हैं और इसके अलावा 7 बार यूरोपीय चैंपियन भी बन चुके हैं। हालांकि ओलंपिक में शूटर्स को अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की अनुमति होती है, डिकेक ने तहलका मचा दिया और अब वो इंटरनेट पर सनसनी बन गए हैं। वहीं ओलंपिक में बॉक्सिंग इवेंट में एक विवाद खड़ा हो गया। अल्जीरिया की बॉक्सर इमान खलीफ को लेकर ये विवाद है। 25 साल की खलीफ महिलाओं की वेल्टरवेट इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इमान खलीफ का मुकाबला इटली की एंजेला कैरिनी से हुआ। कैरिनी ने 46 सेकंड में ही मैच को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि खलीफ का पंच इतना तगड़ा था कि कैरिनी को जान बचाने के लिए मैच छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें आज तक इतना ताकतवर मुक्का किसी ने नहीं मारा। ये पहला मौका नहीं है जब इमान खलीफ विवादों के घेरे में है। इमान खलीफ को पिछले साल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से रोक दिया था, क्योंकि वे जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। खलीफ खुद की महिला के तौर पर पहचान बताती हैं, लेकिन इसे लेकर भी दो खेमे बन चुके हैं। एक खेमा उनके सपोर्ट में है, तो वहीं दूसरा खेमा इस तरह के जेंडर संकट वाले किसी भी शख्स को ना खेलने देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।